गुज़श्ता वर्ष जुलाई में आमिर खान और किरण राव ने एक मुश्तरका बयान में अपनी शादी खत्म करने का ऐलान किया था, जिसके बाद भारतीय मीडिया पर ये खबरें गर्दिश करने लगी कि आमिर खान जल्द ही तीसरी शादी कर लेंगे। ताहम ऐसी कोई हकीकत मंजरे आम पर ना आई, लेकिन आपके जहन में बहुत से सवालात अब भी गर्दिश कर रहे होंगे कि आमिर खान ने दूसरी अहलिया किरण को तलाक क्यों दी, क्या आमिर खान तीसरी शादी करना चाहते थे, क्या मिस्टर परफेक्शनिस्ट की अज़दवाजी जिंदगी मसाइल से दोचार थी, आमिर खान को तलाक का फैसला क्यों लेना पड़ा। लेकिन अब इन सब बातों पर आखिरकार आमिर खान ने खुद ही खामोशी का ताला खोल दिया। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने हाल ही में अपनी दूसरी अहलिया किरण राव से तलाक पर वजाहत पेश कर दी। भारतीय मीडिया पर एक इंटरव्यू के दौरान आमिर खान ने साबिका अहलिया किरण राव की अज़दवाजी जिंदगी पर बात करते हुए कहा कि किरण और मैं एक फैमिली हैं, लेकिन हमारी अज़दवाजी जिंदगी कुछ मसाइल का शिकार थी, इसीलिए हमने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया। मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने कहा कि हम अब भी साथ काम कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हमारे ताल्लुक को हमारे अलावा कोई दूसरा समझ नहीं सकता। किरण को हमेशा से मेरी ज़हनियत और शख्सियत काफी मुतासिर कुन लगती रही है। किरण राव से तलाक के बाद इनकी जिंदगी में आने वाली खातून से मुतालिक अफवाहों पर आमिर खान ने वाजिया किया कि ऐसा कुछ नहीं है, ना ही किरण के होते हुए मेरी जिंदगी में दूसरी खातून थी और ना ही अब मैं किसी के साथ हूँ। इंटरव्यू के दौरान आमिर खान ने माजी पर बात करते हुए एतराफ किया कि उन्होंने अपनी दोनों बीवियों रेना दत्ता और किरण राव को मामूली समझा, अपना कैरियर बनाने की वजह से फैमिली को वक्त नहीं दिया। आमिर खान ने तस्लीम किया कि मैंने अपनी जिम्मेदारियां दुरुस्त तरीके से नहीं निभाई। मैंने जब 18 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो इस वक्त मुझ पर अपना नाम बनाने की धुन सवार थी, इसी वजह से मैं अपने वालिदैन समेत फैमिली को वक्त नहीं दे सका, जिसका आज मुझे शिद्दत से अफसोस होता है। ख्याल रहे कि आमिर खान की पहली अहलिया रीना दत्ता थी, जिनसे उनके दो बच्चे जुनैद खान और इरा खान हैं। आमिर खान की रीना दत्ता से तलाक शादी के 16 साल बाद 2002 में हुई, जबकि आमिर खान ने फिल्म साज किरण राव से दूसरी शादी 28 दिसंबर 2005 में की थी। दोनों की मुलाकात मारूफ फिल्म लगान की शूटिंग पर हुई थी, जहां किरण बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर फराइज सरंजाम दे रही थी, जबकि आमिर खान फिल्म में मरकजी किरदार निभा रहे थे। मिस्टर परफेक्शनिस्ट का अपने माजी पर अफसोस करने पर आप क्या राय रखते हैं? हमें इनबॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।